गई थी, अगर मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष मंच में बैठ सकता है क्या? मेरा अधिकार नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए कि सिर्फ जिला अध्यक्ष बनाई थी महिला की? अगर दिखाने के लिए बनाई थी तो मैं भीड़ नहीं बनना चाहती। मैं अपना सम्मान अपना खुद लेना जानती हूँ और मैं लेके रहूंगी। आज ही नहीं, अभी देख दो दिन में ही मैं इस्तीफा दे आऊंगी। मुझे कोई खाने को नहीं दे रहा, ना मुझे कोई पैसे दे रहा, मुझे नहीं चाहिए। आज क्या मामला हुआ, क्यों ना मामला क्या हुआ? ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ये महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? ऐसे सम्मान होता है? अरे चलो, मुझे सम्मान नहीं दे सकते और महिलाओं को क्या सम्मान देंगे ये? महिलाओं को जोड़ो, क्यों जोड़ो महिलाओं को? उनकी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे? आपके साथ क्या फन हुआ है? फन क्या हुआ? कह रहे कि नीचे बैठो, क्यों बैठो? मेन जिला अध्यक्ष ऊपर बैठेगा, महिला की जिला अध्यक्ष नीचे बैठेगी? पागल है वो घर से? किसने कहा आपको नीचे बैठाने के लिए? मैं दूंगी इस्तीफा, रालोद की खिलाफत में जाऊंगी अब पक्का। अगर ये सरकार बनती होगी तो मैं करूंगी काम। जी जी, आज बागपत में जाट कॉलेज में जनता वैदिक जो इंटर डिग्री कॉलेज है उसमें आज रैली थी चौधरी साहब की, और उसमें हमने अच्छे से प्रबंध भी किया हुआ था। मैंने अच्छे से मतलब महिलाओं के लिए बैठने के लिए भी प्रबंध किया था कि महिलाओं के लिए सही से सम्मान मिले, उन्हें पदाधिकारी हैं, क्योंकि मैं यहाँ की जिलाध्यक्ष हूँ महिला में, तो हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। जहाँ तक पदाधिकारी है, मैंने जगपाल जी हैं हमारे यहाँ मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं, मैंने उनसे 20 दिन से मैं फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि रेणु जी आप परेशान ना हो और सब तरह का प्रबंध किया जाएगा। जब हमारे इसमें क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आई हैं डॉक्टर प्रेमदा तोमर जी, तो मैं उन्हें रिसीव करके और मैं मंच तक पहुंची, तो मेरे पर काफ़ी दबाव डाला कि आप मंच में नहीं जाएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जिला अध्यक्ष, अगर मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष मंच पर जा सकता है तो महिला का सम्मान नहीं है? मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगी, क्या महिला का सम्मान नहीं? और दूसरी बात यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उनके साथ बदतमीजी भी हुई, हमारे हाथ से माइक छीना गया है, भद्रता की गई, तो महिला सम्मान कहाँ मिल रहा है? आपने भी इस्तीफा दिया है, क्या ना चाहेंगे, क्या लिखा है उसमें? देखिए, इस्तीफा का तो ऐसा है, चाहे इस्तीफा दो या ना दो, मैं अपने आप में इतनी सक्षम हूँ, मैं इस पार्टी के लिए हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं सिर्फ इस्तीफे का ये मतलब नहीं है कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगी, मैं इस पार्टी को ना तो कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगी। जैसे काम पहले कर रही थी, आप सबके आपके सबके संज्ञान में भी है कि मैं अच्छे से काम कर रही थी, मैं ऐसे ही काम करूंगी। बल्कि मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि रेणु जी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ और आप इस पद को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इस पद के लायक इस बागपत क्षेत्र में कोई भी नहीं है। तो उनका सम्मान करते हुए मैं इस पद पे बनी हूँ। आप आरएलडी छोड़ रही हैं या आरएलडी में ही हैं? जी नहीं, आरएलडी हमारे खून में बसी है, हमारे पूर्वजों के द्वारा सबके द्वारा इसका सम्मान है, तो मैं आरएलडी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पद से नहीं, नहीं मैं पद से भी इस्तीफा फिलहाल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं। वो उस टाइम मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना किया है कि हर समय हर उस पे खड़ी रहूंगी। जिस तरीके से इस पार्टी में आपका प्रदर्शन हो रहा है, आपके साथ बदसलूकी भी हुई है, तो ऐसे ही सहन करते रहेंगे? जी नहीं, मैं सहन नहीं करूंगी। बल्कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहा है कि इस तरह का व्यक्ति अगर पार्टी में रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर जगपाल तेवतिया जी को, अगर ये निष्कासित होते हैं तो हम ऐसे ही पार्टी में बने रहेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। वरना मेरे साथ जो हजारों महिलाएं जुड़ी हैं वो हम सब इस्तीफा भी दे सकती हैं। निष्कासित नहीं होंगे तो काम हम करेंगे, लेकिन मैं पद से इस्तीफा दूंगी। लेना है नए शूज या फिर भाभी जी के लिए नई फैंसी सैंडल, तो घबराइए मत, अब आपको एक ही छत के नीचे सम्राट शूज में मिलेंगे मेंस फुटवेयर, वुमेन्स फुटवेयर और साथ ही बच्चों के लिए भी आकर्षक फुटवेयर्स। और हाँ, सम्राट शूज पे लगी है भारी डिस्काउंट वाली सेल, तो आज ही आएं और मौके का फायदा उठाएं। जेन्युइन ब्रांडेड फुटवेयर्स पे ऐसी डिस्काउंट और इतनी वैरायटीज आपने कहीं और नहीं देखी होगी। सम्राट शूज, मेन बाजार कोताना रोड, बड़ौद बागपत।